तो गाइस आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि आपकी स्किन पर पता नहीं चलता, लेकिन आप पीछे जाइए, आगे आइए, देखिए स्किन पे कैसा ग्लो। मुझे तो फेयरनेस लग रही है। मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, अगर आपने आज का स्किन केयर कर लिया और इसको करके बाहर चले गए, हर कोई आपसे पूछने वाला है कि आज आपने अपनी स्किन पे लगाया क्या है। आपके घर में रखा हुआ ककड़ी, टमाटर, ऑरेंज, लेमन, दूध, बेसन, कॉफी पाउडर, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो डेफिनेटली हजारों लाखों का ट्रीटमेंट आपकी स्किन पे कर सकते हैं। आपकी स्किन से ब्लेमिश हटा सकते हैं, पिगमेंटेशन हटा सकते हैं, आपकी स्किन को जवां बना सकते हैं, झुर्रियां हटा सकते हैं, यूथफुल बना सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं, गोरा बना सकते हैं, टैन हटा सकते हैं। अनगिनत फायदे हैं, आप काउंट करते हुए थक जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें हम कहां पे ढूंढते हैं? पार्लर में जाके महंगे महंगे वाले ट्रीटमेंट पे हम विश्वास करते हैं, लेकिन होममेड जो चीजें होती हैं उन पे हम विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास करके ये स्किन केयर करना है। मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कहीं शादी में जाना है तो रात में करके सोइए, सुबह उठ के मेकअप कर लीजिए, ऐसा फ्लॉलेस, ऐसा निखर के मेकअप आएगा ना आपका, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। जब भी मुझे कहीं जाना होता है या फिर मुझे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होता है मेरी स्किन पे, तो मैं यही स्किन केयर करती हूँ। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कच्ची हल्दी का यूज किया है। हमने घर पे हल्दी उगाई हुई है तो मैं खेत से ही लेके आई हूँ। अगर आपके पास कच्ची हल्दी किसी वजह से नहीं है तो आप यहाँ पे कस्तूरी हल्दी जो पाउडर आता है उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूंगी कच्ची हल्दी है तो उसका एक बार यूज करके देखिएगा। उसके बाद मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। थोड़ा सा ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। एंटीबैक्टीरियल होती है ये, चुटकियों में आपके कलर को साफ कर देगी। अगर आपको गोरापन चाहिए ना तो ये हल्दी करके देगी आपको। मैंने थोड़ा सा इसको ग्रेट कर लिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर है ना दूध डाल के इसको 5 मिनट तक रख दिया था, ताकि जो हल्दी का पीला कलर है वो हमें दूध के अंदर मिल जाए, इसकी जो गुण है वो सारे दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और ये हमारी स्किन पे अच्छा खासा एक मैजिक करके जाए। तो उसके बाद मैंने इसको अलग से एक कटोरी के अंदर छान लिया है। फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे हमारी पूरी होती है। तो ये जो हमने मिल्क बनाया है हल्दी वाला, इसे हम 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? एक हम पैक बनाएंगे और एक हमारा ये क्लींजर का काम करेगा। तो मैंने थोड़ा सा अलग कटोरी में यहाँ पे निकाल लिया है, उसको साइड कर देंगे। अब जो हमारा दूध बचा हुआ है हल्दी वाला, इसमें आपको 1 चम्मच बेसन ऐड करना है। बेसन बहुत अच्छे तरीके से स्किन एक्सफोलिएट करता है। जो डेड स्किन होती है ना आपके, उसको निकाल के एक नीचे वाला जो ग्लो है आपकी स्किन का, उसको ऊपर लेके आता है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे कॉफी पाउडर डाल दिया है। सॉरी मैं आप लोगों को बीच में बताना भूल गई कि मैंने इसके अंदर हनी भी ऐड किया था, जो कि आपकी स्किन को नरिश करेगा, आपकी स्किन पे क्लस्टर, एक जो मुलायम मुलायम सी स्किन होती है ना वो आपकी स्किन बनाना शुरू कर देगा अगर आप हनी का यूज करते हैं तो। अच्छा, अब इनको है ना अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है ना? अगर आपको लेमन सूट करता है ना तो आप इसके अंदर लेमन भी डाल सकते हैं। तो आपका एक तो तैयार हो गया है पैक और एक आपका तैयार हो गया है ये क्लींजर। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको आपका क्लींजर लेना है और ये एक कॉटन लेनी है, आपको इसके अंदर डिप करना है बड़े ही आराम से। और इसके साथ आप चाहें तो इससे पहले फेस वॉश यूज कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को करने के बाद आप फेस वॉश यूज नहीं करेंगे। इससे ना केवल आपकी ब्लेमिश, टैन, गंदी वाली स्किन निकलेगी, बल्कि अगर आप इसको अपनी आंखों पर लगाएंगे ना, झुर्रियां हैं, पफिनेस है, डार्क सर्कल है ना जिद्दी वाले, वो भी चले जाएंगे। तो हम आंखों से ही शुरुआत करेंगे। तो इस तरीके से आपको है ना जो आपकी स्किन अच्छे से इसके साथ क्लीन कर लेनी है सबसे पहले, ताकि जो हम पैक लगाएंगे। और हाँ, मैंने इसमें कच्ची हल्दी की यूज की है, मैंने पहले भी कच्ची हल्दी यूज की थी। तो ये जब आप इसको करेंगे और फेस वॉश करेंगे ना तो हल्का सा येल्लोपन आएगा, लेकिन सुबह तक वो बिल्कुल गायब मिलेगा आपका। तो इस तरीके से आपको आंखों के ऊपर भी ज्यादा ध्यान अगर देना है, अगर बहुत ज्यादा डार्क सर्कल है, तो इस तरीके से आप कॉटन पैड के 2 टुकड़े करके अपनी आंखों पे रख सकते हैं। ओके, जो बाद में मैं यही करने वाली हूँ। तो बड़े अच्छे से आपको अपनी स्किन जो है वो साफ करनी है। आपको दिखेगा आपकी स्किन से कॉटन के ऊपर की कितना मैल आया है आपकी स्किन पे से। तो इस तरीके से गर्दन भी आपको छोड़नी नहीं है, करनी है, क्योंकि अगर आपका फेस चमकेगा और गर्दन ऐसे ही दिखेगी तो गंदा दिखेगा ना। तो आप देख सकते हैं हल्का सा, अगर मैं यहाँ पे हल्का सा आया है, ज्यादा नहीं आया है। ओके, तो बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया। अब आपको उठाना है आपका पैक और इस पैक को बिल्कुल अच्छे से स्किन पे आपको क्या करना, ऐसे ही चिपकाना नहीं है, आपको इसे बिल्कुल अच्छे से मलते हुए, मैं थोड़ी जल्दी प्रोसेस में दिखा रही हूँ,
तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, हर किसी का टाइम कीमती है ना। तो इस तरीके से आपको मलते हुए अपनी स्किन पे लगा लेना है, ठीक है ना। अगर इस रेमेडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मेरे से छूट जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि कई बार याद नहीं रहता ना मुझे क्या क्या बोलना, जल्दबाजी में वीडियो बनाती हूँ। और इसको है ना एक थोड़ी थिक लेयर आपको अपनी आंखों के पास लगानी है इस तरीके से, और ऊपर वाले आईलिड पे भी आपको लगानी है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां हैं ना सिर्फ नीचे लगाती हैं, और मेरी आदत है मैं ऊपर भी लगाती हूँ और नीचे भी लगाती हूँ, ताकि ऊपर वाला जो आईलिड है, जो ब्लैकनेस है, जो दिखने में काफ़ी गंदी दिखती है, वो ना दिखे। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, एक थोड़ी सी मोटी सी लेयर आपको लगानी है, और सिर्फ 15 मिनट आपको वेट करना है, और फिर मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाती हूँ। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये हल्का सूख चुका है, तो अभी मैं हेयर वॉश करके आती हूँ, फिर आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर करती हूँ। तो गाइस आप रिजल्ट देख सकते हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि आपकी स्किन पर पता नहीं चलता, लेकिन आप पीछे जाइए, आगे आइए, देखिए स्किन पे कैसा ग्लो। मुझे तो फेयरनेस लग रही है, कि मेरी स्किन पहले से मुझे थोड़ी सी वाइट कलर लग रहा है, येलो कलर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इतना अमेजिंग स्किन केयर है, ट्रस्ट मी, आप इस पे विश्वास करिए, आप इसको करिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और फिर मेरे पास कमेंट्स जरूर कीजिएगा, कमेंट्स करते हैं ना तो और लोगों की भी हेल्प होती है, उनको पता चलता है कि रेमेडी काम कर रही है या नहीं कर रही है। आप इसको हर रोज़ लगा सकते हैं, आप इसको वीक में 3 बार लगा सकते हैं, आप इसको वीक में 4 बार लगा सकते हैं। कहीं शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, तो पहले वाली रात लगा के सो जाइए, देन मेकअप करिए, और फिर देखिए कि आपको कितने सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। बहुत अमेजिंग ट्रीटमेंट है। पार्लर में जाने से पहले इस ट्रीटमेंट को एक बार जरूर करके देखिएगा, घर पे ही रह के आपको बहुत अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे। टैन है हट जाएगा, ब्लैमिस है हट जाएगी, पिगमेंटेशन है हट जाएगी, डार्क सर्कल है, ये बचा हुआ है, ये जो हमारा क्लिंजर था मैं इसको फ्रिज में रखूंगी कॉटन पैड के साथ। मैं इसको अभी जब सोऊंगी थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट के लिए अपनी आंखों पर मैं इसको जरूर रखने वाली हूँ ठंडा ठंडा। तो इसको जरूर यूज कीजिएगा, फीडबैक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आई होप कि आप इसको जरूर ट्राई करेंगे, फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।